नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मचल है। मेरा नाम ऋषि राज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में। दोस्तों पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप अपने जिले में ही बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना यहाँ पे जो नौकरी है या फिर कोई भी आप लोगों का स्वरोजगार है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत जो भी यहाँ पे बेरोजगार युवा हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उनको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। चाहे आप पढ़े लिखे हों या फिर पढ़े लिखे नहीं हों, दोनों को यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप लोगों को किसी ना किसी कैटेगरी में यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाएगा और वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर जो है आप कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, साथ में कहीं पे अपना जो रोजगार होता है वो भी आप जो यहाँ पे कर पाइएगा। साथ में दोस्तों इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ आप लोग को हर महीने जो यहाँ पे 1500 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि आप लोग का एक तरीके से भत्ता के रूप में आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितना महीना भी आप लोग का ट्रेनिंग चलेगा उतना महीना आप लोग को 1500 रुपये का यहाँ पे जो भत्ता है वो सरकार की तरफ से आप लोग को मिलने वाला है। इसके लिए आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो शुरू कर दिया गया है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, क्या आप लोगों का एलिजिबिलिटी रखा गया है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। पीएम दक्ष योजना के बारे में जानने के लिए या फिर जो इसमें आप लोगों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जो है इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको अपने गूगल में टाइप कर सकते हैं YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को नीचे आना है, यहाँ पे सरकारी योजना का आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम दक्ष योजना 2022 ऑनलाइन अप्लाई, या फिर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग को पीएम दक्ष लिखना है तो भी आप लोग को ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट में मैंने आप लोग को पूरा जानकारी यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, पूरा एक एक चीज आप लोग यहाँ पे जानकारी जो यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कितना पैसा आप लोग को मिलने वाला है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पे बताया गया, प्रशिक्षण किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से आप लोग का कार्यक्रम रखा गया है, सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोग को जो है सबसे नीचे जो है चले आना है। सबसे नीचे आप लोग को इंपोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, क्लिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलता है, क्लिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करते हैं तो पीएम दक्ष योजना का जो आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट पे आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है। सबसे पहले आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का बताया गया है कि कौन कौन से लोगों के लिए यहाँ पे जो यह योजना चल रहा है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट वाले लोग होते हैं यानी कि SC कैटेगरी से जो आते हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं यानी कि BC वाले हो गए या फिर EBC वाले हो गए, दोनों यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर उनके घर परिवार के जो बच्चे हैं वो जो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो तीन तरीके के लोग यहाँ पे जो आवेदन कर पाएंगे। और भी एलिजिबिलिटी देखना है तो यहाँ पे आप लोग को जो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का बताया गया है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल है, कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग का शेड्यूल कास्ट है तो यहाँ पे आप लोग का बताया दोस्तों कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द स्टेट अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो शेड्यूल कास्ट के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे में आपके राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो आप लोग को यहाँ पे देना होगा। अगर आप ओबीसी के लिए यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आप लोग का जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप यहाँ पे ईबीसी के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का 1 लाख रुपए से कम कहाँ पे जो है आप लोग का एनुअल इनकम होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया। मान लीजिए आप सफाई कर्मचारी के घर से हैं या फिर आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी है तो यहाँ पे आप लोग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा। तो इस तरीके से आप लोग का एलिजिबिलिटी रखा गया। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को अबाउट पीएम दक्ष योजना के बारे में जानकारी मिल जाता है कि इसमें आप लोगों को किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा वो आप लोग का पूरा यहाँ पे बताया गया। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप स्किलिंग यानी कि आप लोगों का जो स्किल है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट टाइम में यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में यहाँ पे आप लोग का लॉन्ग टर्म जो कोर्स होता है वो भी आप लोग को यहाँ पे
में मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को बता दोस्तों की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रेनिंग 100% ग्रांट्स गवर्नमेंट, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का 100% जो है फ्री ये ट्रेनिंग आप लोग का मिलने वाला है। जो भी आप लोग का सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से आप लोग का दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे स्टिपेंड आप लोग का बताया दोस्तों की 1000 रुपए से लेकर आप लोग का 1500 रुपए जो यहाँ पे स्टिपेंड आप लोग को मिलने वाला है पर मंथ। जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे 80% से ज्यादा अटेंडेंस वाले होते हैं उनको यहाँ पे ये लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का बताया गया। साथ में यहाँ पे और भी आप लोग का जानकारी दिया गया कि यहाँ पे जो 3000 रुपए तक मिल सकता है, लेकिन किस तरीके से मिलेगा वो आप लोग का यहाँ पे बताया गया, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पे ऊपर और भी आप लोग का जानकारी दिया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए सपोर्ट में आप लोग का पीएम दक्ष है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है। अभी जो है कौन कौन सा ट्रेनिंग आप लोग का चल रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन सा ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का पूरा जानकारी दिया गया है कि क्या क्या ट्रेनिंग आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी माइनिंग में यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट मिल सकता है। आप लोग का कितना घंटा का यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाला है, तो यहाँ पे 780 घंटे का आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो रहने वाला है, फुल आप लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। 10th अगर आप पास है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दिया गया कि कहां पे आप लोग का ट्रेनिंग होने वाला है, कितना आप लोग का यहां पे जो समय के लिए ट्रेनिंग लिया जाएगा, कितना आप लोग यहां पे पास होने चाहिए तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ आप लोग यहां पे बताया गया। इसी तरीके से आप नीचे कीजिएगा तो और भी आप लोग का पूरा लिस्ट यहां पे जो ओपन हो जाएगा। आप लोग को इस लिस्ट को नहीं देखना है क्योंकि इस लिस्ट में जो बहुत सारा आप लोग का नाम है, तो ऐसे में आप लोग को जो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीधा आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला जाए दोस्तों कि आप लोग को अपना श्रेणी चुनना होगा, यानी कि कैटेगरी। आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, जो भी आप हैं यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, मेरा बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का पड़ता है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है इसको टिक करना है। उसको दोस्तों यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आप लोग जो है अर्बन में रहते हैं या फिर रूरल में। अर्बन का मतलब हो गया दोस्तों कि आप लोग का शहरी क्षेत्र, और यहाँ पे रूरल का मतलब हो गया कि ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उस पर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि आप लोग का कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप 5वीं पास है, नो फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि आपके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जहां तक आप पास है आप यहाँ पे जो सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएट में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दोस्तों अपना 50 KB में जो है एक फोटो अपलोड करना होगा, यानी कि खुद का यहाँ पे जो फोटो होगा वो आप लोग को अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई कोर्स, यानी कि आप कौन सा कोर्स किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स है तो आपको वो बताना है। तो मेरा जो यहाँ पे बीए है तो बीए में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम आप लोग का पूछा जा रहा है कि आप लोग का कौन सा स्ट्रीम है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, यानी कि आप लोग का जो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उस पर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग का कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसको दोस्तों यहाँ पे 6 महीने से पुराना कोई भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो वो आप लोग को यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को यस करना है क्योंकि यहाँ पे आप लोग का जो भत्ता है वो आप लोग का उसी अकाउंट में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताना है दोस्तों कि क्या आपका अकाउंट जो आधार नंबर से लिंक है, तो यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोग के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको सबमिट कर देना है। उस पर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो है सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, उस पर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब दोस्तों पहला स्टेप पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सेकंड स्टेप ओपन होता है, ट्रेनिंग डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले जो है अपना राज्य सेलेक्ट करना है, तो मेरा बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। उस पर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग का पड़ता है। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जैसे पटना हो गया, रोहतास हो गया, आप लोग का वैशाली हो गया। तो मान लीजिए आप पटना में लेना चाहते हो, यहाँ पे आप लोग को पटना सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग सेलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ सीएनसी ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आप लोग को ये सेलेक्ट कर देना है क्योंकि एक ही कोर्स आप लोग का हो रहा है। अगर आप दूसरा जगह यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए रोहतास सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्विंग मशीन ऑपरेटर, यानी कि आप लोग का जो सिलाई मशीन ऑपरेटर होता है उसके लिए आप लोग यहाँ पे रोहतास में ट्रेनिंग हो रहा है। उस पर यहाँ पे आप लोग को वैशाली में ट्रेनिंग आप लोग का दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे वैशाली में आप लोग का मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट का जो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आप लोग का दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान आप लोग का पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कोर्स का अवधि, आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा।
उसको दोस्तों यहाँ पे सेकंड प्रीफ्रेंस आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को नेक्स्ट पे जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग आप लोग का लिया जा रहा है ऐसा नहीं है कि आप लोग का ऑफलाइन ही ट्रेनिंग होगा, हो सकता है कि इसके लिए आप लोग का ऑनलाइन भी ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा, तो आप जो घर बैठे भी अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं, ये आप लोग का यहाँ पे जो है सुविधा दिया जाएगा। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो अपना बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम आप लोग को यहाँ पे डालना है, ब्रांच का नाम डालना है, आप लोग का जो यहाँ पे एक्टिव अकाउंट नंबर है वो आप लोग को यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आईएफएससी कोड डालकर कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आप लोग का जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग को सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत ही आप लोग को जो लॉग इन आईडी और पासवर्ड है वो आपको नहीं मिलता है, आप लोग को कुछ दिन यहाँ पे इंतजार करना होगा। जब आप लोग का डिटेल यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाएगा कि आपने जो भी डिटेल डाला है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया है, सारा कुछ सही है, तभी आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोगों को दिया जाता है। साथ में आपके मोबाइल नंबर पे जो है समय समय पे अपडेट भी दिया जाएगा कि कहां पे आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, किस तरीके से ट्रेनिंग होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब कुछ आप लोगों का जो है मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे जो है आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।